तो दोस्तों नमस्कार, मैं आज आया हूँ आपको बीसलपुर में गोकर्णेश्वर महादेव के मंदिर में। पीछे आप मंदिर देख रहे होंगे, गुफा के अंदर ये मंदिर है। ये गोकर्णेश्वर महादेव, आपको साक्षात शिव के दर्शन हो रहे हैं। देखिए महाराज श्रृंगार कर रहे हैं भगवान का। रात्रि में आज हम यहाँ दर्शन करने आए हैं। देखिए ऊपर शीर्षनाथ। नमस्कार पंडित जी, आपका शुभ नाम? चंद्रशेखर पाराशर। कुछ मेरे को मंदिर के बारे में बताएं पाराशर साहब। ये पुराना बहुत है और विशल देव जी के मंदिर से भी पुराना है। विशल देव जी में भी शिवलिंग पुराना था और नीलम का था। ये 100 फीट गहरा है, इसमें पानी जितना डालो वो सीधा पाताल में ही जाता है, है ना, वो बाहर नहीं आता है, आस पास की गुफाओं में चला जाता है। ये रावण के द्वारा इसमें ऊपर का कान है, ऐसे 3 लाइनें बनी हुई है, तो ये और किसी शिवलिंग में 3 लाइन ऐसी नहीं है रावण के स्तर का। तो रावण से यहाँ का क्या संबंध है? रावण यहाँ रावता का रहने वाला था। अच्छा, वहाँ जाके लंका में उसको राज्य मिला। तो क्या यहाँ मैंने सुना तपस्या करी रावण ने कुछ? हाँ, 12 वर्ष तक तपस्या की है। 12 वर्ष तपस्या करी है। और ये शिवलिंग नीचे से ऊपर तक एक ही प्रकार का है। अच्छा, और आप कितने साल से यहाँ पे? मैं 60 साल से। 60 साल से आप महाराज हैं। तो महाराज आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ के इतिहास के बारे में बताया, रावण के बारे में आपने कहा कि रावता के रावण थे। हाँ। और यहाँ रावण रहे हैं और 12 साल यहाँ तपस्या करी रावण ने, तो ये तो बहुत अच्छा लगा ये बातें सुन करके। ठीक है, गोकर्णेश्वर महादेव की जय हो।